हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केएलवी ज्ञान। तो दोस्तों, अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत होगी, जो कि फॉर्मूला हम लोग का क्या है, फॉर्मूला हम लोग का सी अपॉन फाइव स्क्वायर टू एफ माइनस 32 अपॉन 9। ये हम लोग का फॉर्मूला है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि हमने मान लिया 10 डिग्री सेल्सियस को हमें फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। कितने डिग्री को? 10 डिग्री सेल्सियस को। अब देखिए दोस्तों, जहां सेल्सियस है वहां पे हम लोग कितना लिखेंगे? 10, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस है। सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। तो 10 9 90 हो जाएगा, इक्वल टू 5 से हमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5f माइनस 5 2 जा 10 के 0 के लिए है 1, 5 3 जा 15 1 16, ये हो गया। अब दोस्तों, ये जो है इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ माइनस है, इधर रहेगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 90 प्लस 160 इक्वल टू 5f। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 160 और प्लस 90 होता है 250 इक्वल टू 5f। तो f इक्वल टू 250 अपॉन 5, 5 5 5 5 25। तो दोस्तों, फारेनहाइट कितना आ गया, 50 डिग्री। तो दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।